फर्रुखाबाद मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के धीरपुर के बबूल के जंगल में शनिवार सुबह 25,000 का इनामी बदमाश अमन चौहान उर्फ गोल्डी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें मैनपुरी के कुर्रा थाना निवासी अमन के दोनों पैरों में पुलिस की गोली लगी है। वहीं बदमाश अमन चौहान ने खुलासा किया कि SOG प्रभारी दिनेश गौतम ने उसे लिटाकर दोनों पैरों में गोली मार दी है। उसे CSC में भर्ती कराया गया है। बदमाश पर कई थानों में लूट समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं SP डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र का दावा है कि शराब कारोबारी के मुनीम से बदमाश ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि दो बदमाश शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन अमन फरार चल रहा था, जिसे शनिवार सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शातिर को पकड़ने का प्रयास किया तो शातिर की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस से हुई मुठभेड़ में शातिर के दोनों पैरों में गोली लगी है और SOG के सिपाही जतिन के कंधे में गंभीर चोट लग गई है। अपराधी को CSC में भर्ती कराया गया है। अरे भागी रहा है ये, सुबह से भागी रहा है। हम लोग तो पीछे पीछे थे, हम लोग कितना परेशान थे, भागी रहा था इधर उधर, भागी रहा था जंगल है वहाँ दीपू चौराहे पर। हाँ, लिटा के वही लगी है। कैसे लेटा है? SOG प्रभारी उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लिटाया, पहले स्टैंग गोली मारी फिर इसमें मारी। अच्छा, लिटा के मारी। चलो सर, अभी एक इनामी से मुठभेड़ हुई है दिन दहाड़े, क्या पूरा मसला, किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी और मुठभेड़ हुई है? ये 6 जुलाई को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में एक शराब व्यवसायी के मुनीम से 3,20,000 रुपये की लूट कुछ बदमाशों ने की थी। मोबाइल थोड़ा पीछे करो भैया। सूचना ये मिली थी कि ये बदमाश नगला सुभान खा गाँव में KK राठौर के घर पर इकट्ठा है। KK राठौर भी उनका साथी, तो इस सूचना पर पुलिस टीम जिसमें SOG टीम और इंस्पेक्टर मोहम्मदाबाद की टीम जो शामिल थे, ये गए मौके पर। रात में जाने पर छत पर बदमाश थे, वहाँ से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी वहाँ की। उस फायरिंग के दौरान ही दो बदमाश वहाँ से, KK राठौर और एक विकास, ये दो वहाँ से गिरफ्तार हो गए। और तीसरा जो था अमन चौहान उर्फ गोल्डी, ये बहुत शातिर बदमाश है और ये कुर्रा थाना जनपद मैनपुरी से 25,000 रुपये का इनामी भी है। ये वहाँ से फायरिंग करते हुए निकल गया। इसके बाद निकल जाने के बाद रात से ही SOG प्रभारी उनकी टीम, इंस्पेक्टर मोहम्मदाबाद उनकी टीम और इसके अलावा जनपद से कुछ और टीमें, एक लगभग कुल 10 टीमें कॉम्बिंग के लिए लगाई गई। लगातार कॉम्बिंग चलती रही। अब 11:30 बजे के आसपास, अभी कुछ देर के पहले, यहाँ पर झाड़ियों में कॉम्बिंग के दौरान छिपा हुआ वो दिखा। देखते उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे कि उसके पैरों में गोली लगी और उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मुकदमे इसके पहले से पंजीकृत हैं, शेष कार्रवाई की जा रही है। सर, रात और दिन में जो है, क्योंकि रात में इससे फायरिंग हुई है और दिन में भी अभी फायरिंग में घायल हुआ, तो रात और दिन में जो है तकरीबन पुलिस और दोनों पक्षों से कितनी फायरिंग हुई होगी? 10 से 15 के करीब फायरिंग तो रात में हुई थी और आज यहाँ दिन में भी कई फायरिंग, कई राउंड फायरिंग। कुल मिलाकर पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है इसको मार गिराना? निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था और काफ़ी दिनों से, पिछले दिनों सारे केसेस ऐसे वर्कआउट हुए थे कि बदमाशों का मूवमेंट इधर नहीं था, लेकिन ये नए बदमाश थे, इन्होंने हाथ डालने का प्रयास किया और फिर ये इनके खिलाफ उचित पुलिस कार्रवाई की। इस पर कुछ इनाम भी घोषित है जानकारी में? 25,000 रुपये इस पर इनाम घोषित है मैनपुरी से। सर, सुना जा रहा है कोई लंबा कांड करने के चक्कर में यहाँ रुका हुआ था? हाँ, इनकी जो योजना थी एक पेट्रोल पंप लूटने की योजना थी। अभी तो इन्होंने मुनीम से लूट की थी, इसके बाद बड़ी घटना करने के लिए पेट्रोल पंप लूट करने की इनकी थी इच्छा। ये अपने इस सारे मॉडल्स अपरेंडाई में एक कार का प्रयोग करते हैं। कार बरामद? हाँ, वो कार भी बरामद। ठीक सर, थैंक यू।